मैं कहता हूं जीवित परमेश्वर के बीच में जख्म चाहे आंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो आपकी बॉडी के ऊपर, 3 दिन में ये सूखने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जिस सिस्टर का नाम मनप्रीत कौर है और जिस जहांगीर गांव के रहने वाले, जिस सिस्टर की गवाही जे इनकी छोटी बेटी की 2 हफ्तों से जे बेटी के ऐसे हाथों में ऐसे काक लग चुका था जिसके कारण जख्म हो चुके थे और काफी जे जख्म थे। सबसे पहले हम उस पिक को देखते हैं, तो जे काफी जख्म थे और जे सिस्टर बता रहे कि उन्होंने सिर्फ 1 दिन ही मेडिसिन लेकर दी थी और जैसे जे संगति में आ रहे थे और जे सिस्टर 7 अक्टूबर थर्सडे की मीटिंग में आए थे और जैसे प्रभु के दास हीलिंग प्रेयर कर रहे थे और इन हीलिंग प्रेयर हो रही थी कि किसी की बॉडी में जो भी जख्म है वो 3 दिन में अच्छे हो जाएंगे, आप विश्वास करें। तो जैसे जे सिस्टर ने हीलिंग को रिसीव किया और प्रार्थना करते रहे, धन्यवाद देते रहे, सबसे पहले हम उस क्लिप को देखते हैं। मैं कहता हूं जीवित परमेश्वर के बीच में जख्म चाहे आंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो आपकी बॉडी के ऊपर, 3 दिन में ये सूखने वाला यीशु मसीह के नाम से। मैं कहता हूं आपकी बॉडी पर चाहे जख्म किसी भी चीज का कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये 3 दिन के अंदर अंदर सूखने वाला पूरी तरह से, अगर आपने पूरा जीवन आज परमेश्वर को दे दिया है। मैं कहता हूं 3 दिन के अंदर अंदर ये चीज होने वाली यीशु मसीह के नाम से। करनो तो वो अभी इसी समय कर सकता है, मगर वो जानता है आपका मन कैसा है और उस मन के हिसाब से परमेश्वर बोलता है। उठाओ अपने हाथों को। जैसे इन्होंने हीलिंग को रिसीव किया और जे धन्यवाद देते रहे, तो जे बता रहे थे कि जे बेटी की जो हाथों में जख्म हो चुके थे, दोनों हाथ ही बहुत ऐसे खराब थे, तो 3 दिन में पूरी तरह से जे जख्म सूख चुके थे। पर संडे के दिन इन्होंने अपनी गवाही को बताया नहीं था, तो इसलिए आज अपनी गवाही इन्होंने बताई है। तो जे बता रहे कि परमेश्वर ने जैसे प्रभु के दास से मुख से आया था, तो बिल्कुल परमेश्वर ने इस वर्ड के अनुसार परमेश्वर इस बेटी के जीवन में काम किया और आज ये जख्म पूरी तरह सूख चुके। अब हम उस पिक को भी देखेंगे और इस गवाही के लिए जे परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। हम सब देख भी सकते हैं कि इसके हाथ पूरी तरह से अच्छे हो चुके। तारीफ करो जोर से। देखो परमेश्वर आपके मन की सब बातों को से पता है, आपके मन में क्या है किसे पता है। इसे लिखा बोलने वाला कौन है? मैं कुछ नहीं हूं, बोलो मैं नहीं हूं। सब कुछ कौन है? वो है हाँ, जो मेरा बाप है और आपका भी है। समझ आ रही है? वो है सब कुछ, मैं कुछ नहीं हूं। समझ आ रही हो? वो है और वो जानता है हाँ? कैसे परमेश्वर ने इनके लिए बोला कि 3 दिन में जिसकी भी बॉडी में किसी भी तरह का जख्म, क्योंकि ये जख्म जैसे सांप का वो क्या कहते हैं कख जिन्हें लग जाता है। तो आपको पता मैंने बहुत से लोगों की डेथ होते हुए देखा, क्या होते हुए उन्होंने हजारों का लाखों का उस चीज के लिए इलाज कराया, पता नहीं कितने वो जो क्या कराते हैं फंडे बोलते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं वो भी करवाई, सब कुछ कराते फिर भी नहीं अच्छे होते। पर इनका देखो कितने बड़े बड़े जख्म पूरे हाथ पे हाँ उस सांप के लगने के कारण हो गए और 3 दिन में जो परमेश्वर ने कहा वैसे ही हुआ। क्या कहा? अगर 3 दिन में कहा तो 3 दिन में, ये संडे इन्होंने बताया नहीं क्योंकि ये थर्सडे की बात है, ये थर्सडे की हीलिंग्स है, ये थर्सडे मीटिंग की हीलिंग्स है, क्योंकि पिछले संडे देनी थी और इन्होंने बताया नहीं इसलिए आंस बता रहे हैं। पर परमेश्वर ने काम जैसे ही खुदा के आत्मा ने मेरे मुंह से बोला वैसा ही इनके लिए हो गया। समझते हैं? और आपके लिए वैसा ही होगा। करते हो विश्वास? कितने लोग विश्वास करते हैं अपनी हर चीज के लिए? किस पर विश्वास करते हो? मुझ पर? किस पर? क्योंकि करने वाला कौन है सब कुछ, बोलो करने वाला कौन है सब कुछ। और वो इतना सामर्थी परमेश्वर है ना,
बोलो क्या है? वो इतना सामर्थ्य, इतना ताकतवर है। इसलिए कहते हैं ना, जहां पर इंसान की सोच खत्म हो जाती है वहां से परमेश्वर की शुरू होती है। बोलो क्या है? जहां पे इंसान की सोच खत्म होती है वहां पे तो परमेश्वर की शुरू होती है। तो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या कर सकते हैं? इसलिए जो चीज डॉक्टरों से भी नहीं ना होती वो किससे होती है? पर जिसका पूर्ण भरोसा किस पर है, हाँ, जो किस पर विश्वास करता है, परमेश्वर के लिए करता है। क्या करता है? फिर समुंदर भी चाहे आगे आ जाए उसको भी परमेश्वर कहता हट जा, उसको भी वो धो भाग कर देता है। हाँ, कभी सोचना इस चीज के लिए, समुंदर धो भाग होना। हाँ, जैसे ये पर्दे लगे ना एक किस तरफ, ऐसे पानी की दीवारें बन, हाँ, वो कैसा दृश्य होगा इसराइलियों के लिए जब वो बीच से जा रहे होंगे। देखिए, परमेश्वर के लिए इस दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है। बोलो क्या है? चाहे कुछ भी है वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। इसलिए इस गवाही के लिए जोर से और अपनी गवाहियों के लिए, इस गवाही के लिए और अपनी गवाहियों के लिए भी तारीफ करो, जोर से, जोर से, जोर से अपने हाथों को उठा कर धन्यवाद करते हैं। Amen.